पुनः स्वागत है, जहाँ पर विश्व भूगोल की महाभारत एनसीईआरटी सीरीज हम लोग आपके साथ ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव पढ़ रहे थे। यह क्लास आप सभी के लिए देशित और राष्ट्रहित में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप सिलेक्शन के लिए इस क्लास को ई लर्निंग विद दुर्गेश पर पढ़ रहे हैं तो आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि हम केवल प्रश्न का उत्तर ही नहीं बताएंगे बल्कि हम ये प्रयास करेंगे हम आपके सामने दिए गए इन सभी चारों विकल्पों की विस्तृत व्याख्या करने का, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप तो एक रेस के घोड़े हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है आज का, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है वो शायद आपने इसके पहले भी कई बार पढ़ा होगा या इसके बारे में जानते होंगे। भारत में निम्नलिखित राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य कौन सा है? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे तुरंत सवाल का जवाब दें, क्योंकि ये सीरीज आप सभी के लिए चल रही है और अभी की बार एक सीट हमार, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। निम्नलिखित में से चार में से किसी एक विकल्प का आपको लॉक करना है और ये देखना है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो बताइए सबसे कम आबाद राज्य, सबसे कम घना आबाद, सबसे कम का बात कर रहा है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें इस प्रश्न का, अगर हम मतलब निकालना चाहें, इस प्रश्न का निचोड़ निकालना चाहे, इसका तात्पर्य एक लाइन में होता है कि जनघनत्व की बात कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम जनघनत्व की बात करें सबसे कम, जी हाँ, तो सबसे कम अगर जनघनत्व किसी राज्य का है तो बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो कौन सा राज्य है। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए जवाब दीजिए। जी हाँ, आप लोग एकदम सही बताया, अगर सबसे कम की बात करें तो जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। और एक सवाल है, सबसे ज़्यादा जनघनत्व तो भारत के किस राज्य का है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिए। चलते हैं हम एक और अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक का बटन दबाने के बाद सबसे पहले अपने सारे मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि यह सीरीज खत्म होने से पहले उन सभी तक पहुंच जाए जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद जो आपको दिख रहा होगा, और आप सामने चार विकल्प हैं, इन प्रश्न विकल्पों को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए जो आपके सामने प्रश्न आप बैंक आ रहे हैं उसमें से किसी एक विकल्प का चयन करिए और देखिए कितने में से कितने सही हुए। आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु में कुल प्रजनन दर भारत में उच्चतम है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वे सभी से अपने विकल्प का ताला लगाएं, जल्दी बताइए सभी लोग। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए आप लोगों ने एकदम सवाल सही बताया है, यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, काफ़ी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सही बताया है और लगभग आधे लोगों ने इसका उत्तर सही बताया, विकल्प आप नहीं ला कर पाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, उत्तर प्रदेश। कुल प्रजनन दर भारत में अगर उच्चतम देखा जाए तो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। जी हाँ, सर्वाधिक कहाँ पर है, अपना प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश में है, क्लियर। अब हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, तेज़ी से बढ़ते, क्योंकि आज की सीरीज में केवल टेक्निकल प्रश्न है जिनको केवल आपको याद रखना होगा वरना आप नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न फिर आपके सामने आता है कि शून्य जनसंख्या की वृद्धि की प्राप्ति हेतु प्रतिस्थापन जनन स्तर प्रत्येक विवाहित जोड़े के लिए कितनी अनुमानित किया गया है। एक ऐसा प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन दिक्कत ये होती है ऐसे प्रश्न हमारे सामने प्रायः नहीं आते और सीधे परीक्षा हाल में आते हैं और हम और आप वहाँ पे काफ़ी गलती कर जाते हैं, लेकिन आज के बाद इस प्रश्न की सीरीज में कहीं से भी किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। और वीडियो को पहले तो शेयर जरूर करिए, मुझे कहना पड़ रहा ताकि मेरी मेहनत लोगों तक पहुँचे। डेली क्लास में आप लोग टाइम से राइव आ जाया करिए। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए, अगर आप लोगों ने विकल्प लॉक किया, आपके 5 सेकंड और जल्दी से विकल्प को लॉक करिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप लोगों ने एकदम सही बताया, यहाँ पर आपका जो होगा वो 2.1 अर्थात 20 प्रश्न का सही और राइट आंसर है। मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, विश्व में लंबे रेसे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? विश्व में लंबे रेसे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश क्या है? तो जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं आपके सामने चार विकल्प है, किसी एक विकल्प को आपको ताला लगाना है और ताला लगाने के बाद आपका विकल्प लॉक हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप इस समय परीक्षा हाल में बैठे हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। चलिए आपके पास 5 सेकंड और है विकल्प को लॉक करने का, उसके बाद आप विकल्प को लॉक नहीं कर पाएंगे।
चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए उत्तम और लंबे रेस से सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, यूएसए में, अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। इनसे जुड़े हुए कुछ और तथ्य हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो खासकर आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, लिखना चाहे लिख लीजिएगा। वर्तमान कपास में उत्पादन में चीन प्रथम है, परंतु चीनी कपास छोटे होते हैं। देखिए चीन प्रथम स्थान पर है, लेकिन ये जो कपास होते हैं ये छोटे होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, लंबे और सबसे बड़ा, तो दोनों बात अगर पूछेगा यूएसए। वैसे खाली कपास पूछता कि सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तब आप बताते चीन में। ठीक है, यूएसए छोटे रेशों का कपास का आयात और बड़े रेशों का निर्यात करता है। यूएसए जो है छोटे का आयात और बड़े का निर्यात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये परीक्षा में अगर प्रश्न आता है तो प्रायः लोगों से गलती हो जाती है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला अगला है आपके सामने। निम्नलिखित निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार है, कुवैत, ईरान, इराक, नाइजीरिया। आपके पास चार विकल्प दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसी एक विकल्प पर आपको ताला लगाना है, और ये देखना है कि आपने इतने कम समय पे सबसे पहले सबसे सही जवाब किसका आया। जी हाँ, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। अगर समृद्ध दे अगर इसमें देखा जाए खनिज तेल के समृद्ध, अगर खनिज तेल से समृद्ध देश अगर पूछा जाए, समृद्ध देश, तो यहाँ पे पहले पर आपका जो आएगा वो आपका इराक, दूसरे पर, देखिए मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, कुवैत, तीसरे पर अगर पूछा तो ईरान, चौथे पर नाइजीरिया। लेकिन यहाँ पे प्रश्न अलग है, लेकिन यहाँ पर जो आपका प्रश्न है वो अलग है। प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार पूछा है, यहाँ पर ये नहीं पूछा समृद्ध देश, तो भंडार किसके पास ज्यादा है। तो यहाँ पर ध्यान रहे, अगर भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो इराक, कुवैत और ईरान है, लेकिन खनिज तेल का सर्वाधिक प्रमाणित अगर भंडार देखा जाए तो किसके पास है, कुवैत के पास है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। ध्यान से देखिएगा, ऐसे प्रश्नों में प्राय लोगों से गलती हो जाती है, और हम नहीं चाहते हैं कि भविष्य में आप भी ऐसे प्रश्नों में गलती करें, क्योंकि आपको उत्तर भी पता है फिर भी आप ऐसे प्रश्नों में गलती करेंगे। समृद्ध देश अगर देखा जाए खनिज तेल के समृद्ध देश, तो पहले पे इराक, कुवैत, दूसरे पे आता है। लेकिन अगर प्रमाणित भंडार की बात की जाए तब इस प्रश्न का उत्तर कुवैत होगा। यहाँ पर यह बात जानते रहिएगा, यह बात याद रखिएगा, प्रमाणित अगर भंडार कहेगा तो कुवैत, और खाली समृद्ध की बात करेगा तब पहले पर आपका इराक आता है। सबको समझ आ, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं क्लियर हो गया सबका। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग इसकी क्लिक कीजिएगा, आपके हमेशा काम आएगा ये। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। चार विकल्प है, चारों के विकल्प आपके सामने, किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। अम्ली, क्षारी, जलोढ़, कछारी से कहते हैं, रेगुर। तो बताइए जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चाय खेती के लिए, देखिए चाय की खेती अगर हम बात करें, चाय की खेती के लिए, तो इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो कैल्शियम वाली हो। पहली बात ध्यान से देख लीजिएगा, कैल्शियम व मैग्नीज युक्त मिट्टी होनी चाहिए। मैग्नीज युक्त मिट्टी होनी चाहिए, और इसका जो पीएच मान है ना, पीएच मान वो 4 से लेकर 6 तक होना चाहिए। पीएच मान कितना होना चाहिए, 4 से 6 के बीच होना चाहिए। और जब 4 से 6 के बीच में, तब क्या होगा, पोल आपका समाप्त। तब यहाँ पर ये क्या होगा, 4 से 6 जो होगा, जो पीएच मान का, वो होगा अम्लीय। माने इस प्रश्न का सही उत्तर अगर देखा जाए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका, वो आपका अम्लीय है। क्लियर, क्या अभी किसी के मन में कोई डाउट, अभी किसी के मन में कोई सवाल, तो बहुत जल्दी से पूछ ले। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगर आपको हर चीज़ शो नहीं कर रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है।
चार विकल्प आपके सामने, किसी एक विकल्प आपको चयन करना, जल्दी से आप विकल्प का चयन करिए और आप जवाब दीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्राकृतिक रबड़ का, प्राकृतिक बागानी रबड़, अगर हम प्राकृतिक बागानी रबड़ की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा? देखिए सबसे बड़ा उत्पादक देश अगर देखा जाए प्राकृतिक रबड़ का, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग फिर यहाँ पे गलती करने वाले हैं। देखिए प्राकृतिक रबड़ की जो बागानी रबड़ है, प्राकृतिक बागानी रबड़ उत्पादन में जो पहला स्थान है वो आपका मलेशिया का है। किसका है? मलेशिया का है। मतलब जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर मलेशिया बताया है उनके जवाब पूरी तरह से सही थे। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे तो आप प्रायः गलती कर जाएंगे। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो 12% लोगों ने सही जवाब दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे अगर पूछता तो आपका थाईलैंड इंडोनेशिया होता, लेकिन यहाँ पैसा सर नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपकी संख्या बहुत कम है यार, इसको लोगों तक पहुँचाइए, वरना आप फिर कहेंगे सर विश्व भूगोल खत्म हो गया, पता भी नहीं चला। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारक पोत कौन सा है? ये वनलाइनर प्रश्न ऐसे हैं जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं और आप सीधे सीधे गलती कर देते हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं रहती और ऐसे सवाल कभी आपके सामने से गुजरे भी नहीं होते। इन दोनों के दृष्टिकोण से ये बात आपके लिए बहुत ही जरूरी है। एकदम आसान प्रश्न है और सभी को इसका उत्तर भी पता है। आप अपना विकल्प ताला लगाइए जल्दी जल्दी, देखते हैं सबसे सही ताला कौन लगाता है। चलिए यहाँ पे आप लोगों ने एकदम ध्यान से देखा, 3 सेकंड आपके पास और है लॉक करने का विकल्प। चलिए ध्यान से देखते हैं आगे। यहाँ पे इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो मुंबई होगा। क्या होगा? मुंबई होगा। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अपनी प्राकृतिक स्थिति के लिए ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, दक्षिण एशिया का ये सबसे बड़ा मालवाहक पोत है या बंदरगाह है, जो परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें एक में शेष प्रकार के अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश है, माने किस पे कार्बन सबसे ज़्यादा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो भी जहां भी आप इसे देख रहे हैं, आप बॉक्स में जाने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी साथी अपना जवाब जरूर देंगे, चाहे गलत चाहे सही। 5 सेकंड आपके पास है, 5 सेकंड के बाद आप अपना जवाब टाइप करना पड़ेगा, आपका जवाब लॉक नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, बड़ी कोशिश की, ये गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर अब हम लोग पूरे विकल्प को ही खंगाल डालते हैं, ताकि अगर हम पूरे विकल्प की बात करें यहाँ पे कि सर आप कोई हो, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग ये देखते हैं कि कितने, यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो एंथ्रासाइट में 90% तक कार्बन है लगभग, अगर बिटुमिनियस कोयले की बात करें तो लगभग ये 70 से 90% है, ये 90 से 95% मान लेते हैं, ठीक है। और ये नीचे हैं, ये लगभग ये 45 से 70% तक मात्रा में, और ये पिट जो है ये 45% से कम। अब आपको बताना इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कोयला जो है क्या है? एक औषधि शैल। ये क्या है? औषधि शैल है, औषधि शैल या औषधि चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, इसलिए कि लोगों तक ये पहुंच सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। ध्यान से देखने वाली बात ये है, कार्बन के अंश के आधार पर यहाँ होगा, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वो क्या है? ए। मैंने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही, मतलब ए वालों का जवाब क्या है? पूरी तरह से सही है। ठीक है, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। क्या आप लोग तैयार हैं? इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा ताकि आपको भविष्य में काम आ जाए। अगला सवाल आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 3 है और 1 नहीं है। आपके पास 4 विकल्प है, किसी एक विकल्प को आपको जल्दी से ताला लगाना है और आप खुद से देखिएगा कि सबसे पहले कौन ताला लगाया। ठीक है, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करें।
किसी एक कमेंट का जवाब केवल भूगोल से मिलेगा, और भूगोल के अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो धैर्य रखिएगा, उसको इंस्टाग्राम पे पूछिएगा या आप संडे स्पेशल लाइव वार्ता में पूछ सकते हैं, टॉपिक के बाहर ही कोई सवाल। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारे और आपके सामने जो विकल्प हैं, जहाँ से प्रश्न आते भी हैं, तो सभी लोग देखिएगा ध्यान से। अगर आसन की बात करें, आसन जो है ये लोहा और इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। डिट्रॉयट शहर यूएसए में ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है बहुत, इसको मैंने बताया है। अब आप विकल्प लॉक नहीं कर पाएंगे, वैसे अब विकल्प लॉक नहीं कर पाएंगे, जल्दी से लॉक कर दीजिए, इसको लॉक करना है। और चेल्याब्रिस्क जो है वो पोत निर्माण से है, नहीं संबंधित है। मिलान जो है रेशमी वस्त्र से है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो गलत है वही सही है, अर्थात यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको लगाना होगा तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी सही होगा। मैंने अगर आप लोगों ने, जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया था वो गलत है, मतलब इस प्रश्न का उत्तर सी है, क्योंकि जो चेल्याब्रिस्क है ये पोत निर्माण के लिए नहीं प्रसिद्ध है, ठीक है। इसलिए यहाँ का इसको बारे में नहीं बताया है पोत निर्माण के लिए, उस वीडियो को अगर आप पूरा देख रहे होंगे लगातार तो आपको सही, जो गलत है वही से, क्योंकि यहाँ पे पूछा कौन सुमेलित नहीं है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है। ये परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, इसमें से किसी एक विकल्प का लॉक करना है, 15 सेकंड आपके पास समय है, बताइए जल्दी से कमेंट करके। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, समय समाप्त होता है आपका। अब हम लोग आते हैं इसके प्रश्न के बारे में जानते हैं, इस प्रश्न के उत्तर की तरफ भी चलते हैं। यहां पर हमने ये देखा कि बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया में इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ज्यादातर लोगों ने दिया इंडोनेशिया। जी हाँ, इंडोनेशिया इस प्रश्न का सही जवाब है। इंडोनेशिया क्या है, इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए इसके बारे में और बातें जान लेते हैं कि सर इंडोनेशिया क्यों होगा, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा ना। देखें यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये 27 राज्यों में बटा हुआ है और इसकी राजधानी जकार्ता, इसकी राजधानी क्या है, जकार्ता है। और यहाँ पर सर्वाधिक मुस्लिम है, ये विश्व का सर्वाधिक बड़ा मुस्लिम राज्य है। यहाँ पर शिया मुस्लिम ज्यादा है, कौन सा, शिया। शिया मुस्लिम ज्यादा है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग के सामने आ गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हम पढ़ते हैं आपके साथ। अगला प्रश्न आपके सामने है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे अधिक साक्षर है। इसमें चार प्रश्न है, एक विकल्प है, क्योंकि ऐसा प्रश्न आजकल की परीक्षाओं में ट्रेंडिंग रहा है, इसीलिए जल्दी से 15 सेकंड के अंदर किसी विकल्प पे ताला लगाइए और आप देखिए आपको उसमें से कौन सा प्रश्न है। हारा मेला ही प्रसिद्ध है, एकता जी ने कहा कि जितने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें, तो थैंक यू मैम आपका, आप लोग के साथ की वजह से क्लासेस डेली आ पाते एकदम समय अनुसार, सारे काम छोड़कर हम आपके लिए लेकर आते ताकि आप भी सिलेक्शन लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चलिए 242 प्रश्न नंबर की तरफ बढ़ते हैं, अब आपका जवाब देना बंद होगा तब हम उत्तर देना शुरू करेंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अगर साक्षर की बात की जाए सबसे ज़्यादा वो है आपका जैन, माने सी प्रश्न का सही और राइट आंसर है, ठीक है। क्या होगा, जैन था। सबसे ज़्यादा हिंदू है, मुस्लिम, लेकिन अगर साक्षरता की बात करें धर्म आधारित जनगणना के आधार पर देखें सबसे ज़्यादा साक्षर तो जैन है, 94%, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, किसी के मन में कोई सवाल चाहे तो इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट लग ले, क्योंकि ये प्रश्न आपको जल्दी किताबों में भी नहीं मिलते। जी हाँ, ये सच्चाई है, केवल आप परीक्षा में ही ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं, फिर आप कहते हैं सर ऐसा प्रश्न भी आता है। जी हाँ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नांकित देशों में कौन देश खनिज तेल का निर्यातक आयातक दोनों है। चार विकल्प हैं, इसमें किसी एक विकल्प को ताला लगाइए। जितने वीडियो को लाइव देख रहे फटाफट कमेंट करिए, चीन, रूस, यूके या यूएसए।
जल्दी जवाब दीजिएगा सभी लोग जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए यहाँ पे, क्योंकि देखिए इसमें एक ऐसा देश है जिसके पास सॉइल आयल भी है, अब आप विकल्प को नहीं लॉक कर पाएंगे, लॉक कर लिया आपने, 3 सेकंड है आपके पास, जल्दी से लॉक कर लीजिए। यहाँ पे हमने देखा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पे आयातक और निर्यातक दोनों में इसका जो स्थान है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है, देखिए सॉइल आयल भी इसने विकसित कर लिया है, जब सीरीज थ्योरी पढ़ाएंगे तो आप इसके बारे में आपको जरूर कराएंगे परिचय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन से घुमक्कड़ चरवाहे नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, घुमक्कड़ चरवाहे नहीं है, ये जनजाति से जुड़ा प्रश्न है और विश्व भूगोल की एनसीईआरटी सीरीज में जो महाभारत सीरीज आप पढ़ रहे हैं उस सीरीज में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो जल्दी से बताइए, यहाँ पर मैं इसके सारे के बारे में जरूर बताऊँगा, घुमक्कड़ चरवाहे नहीं है, जल्दी जल्दी बताइएगा सभी साथी जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। देखिए ऑनलाइन क्लास से नोट संबंधी अगर कोई जानकारी थी इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, यह क्लास ई लर्निंग विद दुर्गेश की तरफ से मेरे द्वारा निःशुल्क आप लोग को एज ए गेस्ट के रूप में निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं अच्छे तरीके से, मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, यहाँ पे कजाक, मसाई और लैम ये सारे घुमक्कड़ प्रजाति हैं, ये कैसे हैं, घुमक्कड़ प्रजाति के हैं, लेकिन पिग्मी नहीं है, पिग्मी नहीं है, और जो नहीं है जो गलत है वही आपका सही होगा। पिग्मी के बारे में आपको जरूर बताना चाहूँगा, ये मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं कांगो के बेसिन में, ये मध्य अफ्रीका के कांगो के बेसिनों में ये पाए जाते हैं, और इनकी जो हाइट होती है वो 115 से लेकर 125 सेमी तक पुरुषों की होती है और 110 से 115 सेमी हाइट महिलाओं की होती है, और ये अपने बदन पे कपड़े ना होने की वजह से वहाँ के पत्ते छाल लपेटते हैं, ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर रहते हैं, बंदरों की भांति उछलते कूदते हैं, ये तीरंदाज होते हैं, ये हाथी जैसे विशालकाय जानवर का शिकार तीर धनुष से करते हैं, उसमें ये जहर लगा के रखते हैं और अपने गले में एक बांस की सीटी रखते हैं जिसकी आवाज़ किसी भी जानवर की तरह ये निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ पिग्मी के बारे में एक बात और आप लोग जान लीजिएगा, ये एक पिग्मी एक दिन में 60 केले खा जाते हैं, और आप आधुनिक मानव से जुड़ चुके हैं तो यहाँ पर इसका उत्तर पिग्मी होगा, ठीक है। इनका भोजन अखेट मांस मछली है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये केला और कसावा है, ये जंगली जीवों से सुरक्षा है तो पेड़ों पर झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। अगर हम मसाई की बात करें, मसाई जनजाति भी पूछा जाता है, ये कोनिया और पूर्वी युगांडा में मिलते हैं, ये घुमक्कड़ है। लैम्प जो है ये यूरोप के टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है, ये भी घुमक्कड़ प्रकृति के हैं, कजाक भी आपके घुमक्कड़ हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो यहाँ से जरूर पूछ सकता है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि हम आपको जितना ज़्यादा हो सके सिलेक्शन के करीब लेके चले। डेली क्लास पढ़ेगी क्या, अच्छी क्लास में थोड़ा आपको कम मजा आ रहा होगा कि मैं व्याख्या कम कर रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके सामने 4 विकल्प में है और इन चारों विकल्पों आपको मिलान करना है, मिलान करके बताना है। पिट्सबर्ग, इसके बारे में मैंने आपको जरूर बताया हुआ है, तो बताइए पिट्सबर्ग इसका संबंध किससे है, तो जानते रहिएगा, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा यहाँ पे, आपके सामने 4 विकल्प है। पहली काम अपने हिसाब से विकल्प का लॉक करिए, क्योंकि आजकल ऐसे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग रहते हैं, अगर आप लगातार एक अच्छे अभ्यर्थी होंगे तो आपको ये पता होगा ऐसी सीरीज परीक्षा में आती है। सरल प्रश्न हम आपको नहीं कराते क्योंकि हमारा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, ऐसे प्रश्न पढ़िए जो परीक्षा में हुआ है। जो पिट्सबर्ग है इसका संबंध लोहा और इस्पात से है, शंघाई सूती वस्त्र से रट लीजिएगा, डुंडी की बात करें तो ये जूट वस्त्र के लिए है, और लेनिनग्राद की बात करें तो पोत निर्माण से। अब आपको फट से बताना होगा इसके आधार पर कौन सा विकल्प आपका सही है, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। हो सके तो आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, अपने पास सुरक्षित रख लें, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न ही आपके सामने है, कथन सही कूट को चुनना है आपके सामने 4 कूट है, जल्दी से कूट को चुनिए और टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़िएगा, टेलीग्राम पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएगी, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग पे दुर्गेश पर। 4 विकल्प है, जल्दी से बताइए आप लोग। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर कौन दे पाता है, कौन सबसे पहले विकल्प को सही ताला लगाता है। जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है 3 डॉट बिंदु पर क्लिक करें, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले, वीडियो को पूरी HD में कर ले, पूरी तरह से वीडियो साफ चलेगा, ऐसा लगेगा कि ये आपके सामने HD चल रहा है क्लास, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा। हो सके तो 720p पे देख लीजिए, लेकिन डेटा जल्दी खत्म होगा, 360p पर भी आपको क्लीन दिखेगा।
ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्यूबा को चीनी कटोरा कहते, एक प्रश्न आपका तैयार, मैं पोल हट जाएगा, 3 सेकंड आपके पास, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान देखते हैं, हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है, संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का ग्रेडर जी नहीं भारत है, ऑस्ट्रेलिया संघीय राज्य जी हाँ, मतलब यहाँ पर 1, 2 और 4 सही है। तो आप बताइए यहाँ पे इस प्रश्न, क्योंकि दूध में भारत पहले स्थान पर है, यह बात आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में सोचिए कितना सटीक उत्तर इसका है, जरा सा अगर आपने गलती किया माने नजर हटी दुर्घटना घटी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट आप सुरक्षित रख लें। अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब यहां पे नहीं है, 3 है और 1 नहीं है, बताइए जल्दी से, 4 विकल्प है, किसी एक विकल्प को ताला लगाइए, बताइए जल्दी से, 4 विकल्प में से एक विकल्प को जल्दी से ताला लगाइए आप लोग। ये विश्व भूगोल की महाभारत सीरीज एनसीईआरटी पैटर्न पर है, ये प्रश्न आपको कक्षा 8 की एनसीईआरटी भूगोल में मिल जाएगी, अगर वहां आपको ना मिले तो कक्षा 12 में फिर आपको मिलने वाली है। देखिए आपके पास 3 सेकंड है, विकल्प को लॉक कर लीजिए, उसके बाद तब हम व्याख्या करते हैं इसकी, हो गया सबका लॉक, चलिए बड़ा कम लोग लॉक करते हैं, क्या बात है। देखिए अनसन लोहा इस्पात, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल सही है, मास्को पोत निर्माण गलत, ओसाका, देखिए यहाँ यही तक नाम है, मास्को है, डेट्रॉयट है, अनसन है, तो ये ओसाका वस्त्र उद्योग। अब देखिए जो मास्को है ये रूस की राजधानी है, यहाँ पर होता क्या है, लौह इस्पात, यहाँ पर लौह इस्पात इस्पात रसायन सूती वस्त्र उद्योग, तो यहाँ पर ये है, इसलिए जो गलत है वही आपका सही है। तो मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया था, जो गलत वही इस प्रश्न का उत्तर क्या है, सही है, क्योंकि जो गलत है वही सही है, कारण ये है कि आप यही पूछा है कि कौन सा गलत है निम्नलिखित में से, क्लियर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यहाँ पे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी, जो गलत है वही सही है, ये परीक्षा वाले प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला आपके सामने, डोन बांस क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रश्न आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ये डोनबास कहाँ पे, ये तो पहले जान लीजिए यूक्रेन में है, ये एक प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा, ये कहाँ पर है, ये यूक्रेन में है, क्लियर। थैंक यू आप सभी का जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखा है, सबकी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, क्योंकि क्लासेज ज़्यादा होती है इसलिए सबकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाती। चलिए अब आप लोग विकल्प को लॉक कर ले जल्दी जल्दी, 3 सेकंड आपके पास हैं, सभी ने लॉक कर लिया, अगर परीक्षा में होते तो कौन सा विकल्प लगाते भैया आप लोग, ये तो समझ लीजिए अब घर पर बैठ के सीरीज को हल कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने लॉक कर लिया, अब हम लोग जानते हैं इसका उत्तर की तरफ, जो डोन्स ये डोनबांस है आपका, ये एंथ्रासाइट के लिए प्रसिद्ध है, एंथ्रासाइट क्या है, सबसे अच्छी किस्म का कोयला है, आप बताइए, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपके हिसाब से क्या होगा, मैंने पूरा हिंट दे दिया है, आपके सामने दिख भी रहा होगा। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, यह कोयले के लिए, मतलब इस प्रश्न का उत्तर बी, जितने लोगों ने बी दिया था, एंथ्रासाइट कोयला है, और इसका जवाब केवल 7% लोगों ने सही दिया था, कितने परसेंट, 7% लोगों ने, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके सामने है, किम्बरले प्रसिद्ध है, किम्बरले प्रसिद्ध है, बताइए जल्दी से किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए। आपके सामने 4 विकल्प है, किसी एक विकल्प को जल्दी से ताला लगाइए, आपके पास 5 सेकंड और बचे हैं, हर प्रश्न को हल करने के लिए आप 15 सेकंड ज्यादा समय मत लिया करिए, उसके बाद हम व्याख्या तो करेंगे ही ना, ये डेली क्लास की टाइमिंग आप लोगों को पता ही होगा। हाँ, एंथ्रासाइट है, बिटुमिनियस है, लिग्नाइट और पिट, सबसे अच्छी किस्म का एंथ्राइट, सबसे घटिया किस्म का कोयला पिट होता है। चलिए 3 सेकंड आपके पास और है विकल्प ब्लॉक करने का, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हीरे के खनन के लिए, किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है,
हीरे की खनन के लिए लगभग 54% लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है। किसके लिए? हीरे की खनन के लिए, मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2004-5 की अवधि में सर्वाधिक ह्रास कहां देखा गया? सर्वाधिक ह्रास, वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास कहां देखने को मिला? मैं यहां पर इस प्रश्न का ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। देखिए, मैं आपका समय मैंने पहले कहा नहीं लूंगा, इसलिए 15 सेकंड में आपको उत्तर बता के आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी आप लोग अपना ताला लाक लगाएं इस प्रश्न का, जो क्योंकि यहां व्याख्या करने वाला कोई सवाल ही नहीं, इसलिए मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं। हो गया सबका लॉक? चलिए देखिएगा, यहां पे कंप्लीट हो गया लॉक। देखिए, वन ह्रास की बात किया जाए तो ब्राजील है। ब्राजील को दुनिया का फेफड़ा कहते हैं, लेकिन इस समय क्या हुआ कि लोगों ने फेफड़े पर ही अटैक कर दिया। सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पे है? यहीं पर है, ब्राजील में। लेकिन लोगों को ये लालच हो गई कि आज जब यहाँ पे सबसे ज्यादा जैव विविधता काम करते हैं, यहीं के पेड़ पौधों की कटाई शुरू कर देते हैं, इसलिए वन ह्रास सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है? ब्राजील पे हो रहा है। इसकी राजधानी ब्राजीलिया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। विश्व में निम्नलिखित में से स्वर्ण उत्पादन को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट को सही चुनिए। ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका। जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। आप विकल्प लॉक करिए, मैं बगल में बताता हुआ चल रहा हूं। सभी लोग विकल्प लॉक करें। अगर अवरोही क्रम की बात कीजिए, देखिए पहले पे आपको देखेंगे, पहले पे दक्षिण अफ्रीका, दूसरे पर यूएसए, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया और चौथे पर, अभी देखिए कहां पर है। अब आप लोग देखकर बताइए इसमें कौन से विकल्प को ताला लगाना चाहिए। ठीक है, स्वर्ण उत्पादन की बात हो रहा है। अगर ये आंकड़ा पूछा जाए किस आधार पर है, तो ये 2015 के आधार पर है। आंकड़ा किसके आधार पर है? 2015 के आधार पर है। ठीक है, किसी के मन में कोई डाउट, कोई सवाल नहीं है ना? अगर हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हम ज्यादा ज्यादा प्रश्नों को ऐसे पढ़ाएं जो परीक्षा में सीधे आपसे पूछ लिया जाए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व के दो छोटे महाद्वीप कौन से? एकदम आसान सा प्रश्न, एकदम हलवा प्रश्न है, कोई भी ऐसा नहीं जिसका यह प्रश्न गलत हो। एकदम आसान प्रश्न है, विश्व के दो, देखिए सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो आपको यह बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ठीक है, मतलब जितने लोगों ने इसमें विकल्प सी को ताला लगाया था उनके जवाब सही हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, क्योंकि ये परीक्षा में प्रश्न यहां से फिक्स आपका पूछा जाता है। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कॉमेंट सेक्शन में जाइए और कॉमेंट करके बताएं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे बड़ा एशिया है, सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आठवां महाद्वीप कौन सा, कोई बता सकता है? आठवां महाद्वीप, आठवां
महादेव। इसका जवाब आप लोग अगर वीडियो यहाँ तक देखें तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, वैसे ऑनलाइन क्लास में जो आप लोग पढ़ा रहा था विश्वगोल, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नागरिक देश है? चार विकल्प है, आपको उसमें से किसी एक विकल्प का चयन करना है। जल्दी से बताइएगा, किसी एक विकल्प को चयन करिए, फटाक से अपने विकल्प को ताला लगाइए। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। अब कुछ लोग ये मत कहिएगा विश्व में सात ही महाद्वीप हैं। हाँ, जवाब आना शुरू हो गया आप लोग का। चलिए, आप लोगों ने विकल्प को जल्दी से ताला लगाइए, आपके पास 3 सेकंड और बचे हैं। देखिए, आईएएस के सभी क्रम हम बता देते हैं। जिलेंडी इसका सही जवाब है। यहाँ पे हमने देखा कि विश्व के सर्वाधिक नागरिक जनसंख्या एशियाई देशों में पाकिस्तान पहले स्थान पर है, तथा अगर हम बांग्लादेश की बात करें दूसरे स्थान पर है, तीसरे पर श्रीलंका है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सी अर्थात पाकिस्तान इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का जवाब पाकिस्तान दिया है, उनके जवाब सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में कितने हैं? दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा जनसंख्या देशों में अगर अकेले पूछा जाए एशिया में कितने हैं, एक ऐसा प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। मैं चाहूँगा आप उस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। सभी साथी, चाहे से फेसबुक पे आप देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, वैसे मैं आपका नाम जरूर बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर देखा जाए चीन, दूसरा रट लीजिए तो आपको पता ही होगा कि सर दूसरा तो भारत है। 5 सेकंड है, विकल्प को जल्दी से लॉक कर लीजिए, क्योंकि ये हटा दे पहले विकल्प लॉक कर लीजिए आप लोग, तब मैं आपको बताऊं। लॉक हो गया सबका? चलिए ठीक है, ताकि आपको भी सांत्वना हो, परीक्षा में होते तो कौन सा विकल्प आप कलर करते हैं। चलिए, यहां पर पहले चीन है, ये भारत, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर तीसरे की बात की जाए कि तीसरे पे कौन है, तो तीसरे पर क्या है? यूएसए है। चौथे पर अगर हम देखा जाए इंडोनेशिया है। अगर हम पांचवे की बात करें तो ब्राजील है। छठे की बात करें तो पाकिस्तान है। सातवें की अगर हम बात करें रूस है। आठवें की बात करें तो बांग्लादेश है। नौवें की बात करें जापान। दसवें का नाइजीरिया। वो आपको इसमें से ये बताना है कि इसमें कितने ऐसे देश हैं जो एशिया में। जितने लोगों ने वीडियो को शेयर किया है, लाइक किया है, उनको दिल से थैंक यू। भगवान करे अगली भर्ती में आप सभी का स्थान फिक्स हो। आप लोग इस मेहनत को लोगों तक तो पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं भला कर रहे हैं, और जितने लोगों ने भला किया उनका जरूर होगा। अनलाइक करने वाले जिंदगी भर ऐसे करते रह जाएंगे। ऐसे लोग जिस विभाग में जाएंगे उस विभाग को बर्बाद कर देंगे। इन लोग की जगह वही है, और भगवान उनको बुद्धि विवेक और ऐसे ही बनवाए, उनकी परवरिश भी ऐसे ही करता रहे, क्योंकि उसी लायक है ये वो। तो यहाँ पर आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इसमें आपको दिख रहा होगा एशिया में, तो देखिए चीन, भारत, ठीक है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अर्थात 5 ऐसे देश हैं जो आपके कहाँ पर हैं। ये जो देश हैं ये कहाँ पर हैं आपके? ये सारे देश एशिया में हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए अगर थोड़ी सी भी अगर आपने गलती की तो ये प्रश्न आपके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन इसको अगर रट लेंगे तो आपका हमेशा परीक्षा में एक प्रश्न तैयार रहेगा। ठीक है, चलते हैं हम एक और अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा कि जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वो कहाँ पे है। एकदम इम्पॉर्टेंट है, जल्दी से अपने विकल्प को
ताला लगाइएगा, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशनिया। अच्छा जापान को लेकर छह हो जाएगा क्या? अच्छा भैया ऊपर लोग जापान बताएं, जापान एक द्वीप है, जापान एक द्वीप है एशिया महाद्वीप के पास, जापान एक द्वीप है और चारों द्वीपों के नाम हमने आपको पढ़ाए हैं। चलिए आपने विकल्प लाग कर लिया, अब हम चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। देखिए यहाँ पे पूछा है कि आपका उत्तर क्या होगा, अफ्रीका। हम दो हमारे आने दो, हम दो हमारे आने दो, और इसे आंध्र महाद्वीप भी कहा जाता है, काला महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे विकास का चक्का बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो जहाँ पे कोई काम नहीं है वहाँ पे ये लोग जनसंख्या ही बढ़ाने का काम तेजी से कर रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक अनुमान के अनुसार विश्व के 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी क्या होगा, मैंने 70% जो आबादी है वो नगरों में सिमट जाएगी। बताइए जल्दी से, सभी फटाफट कमेंट करिएगा, ऐसे प्रश्न की परीक्षा में आते हैं और आएंगे भी जरूर से। विकल्प लाग करिए, जल्दी से विकल्प को हटाया जाए ताकि आपका लाख हो गया विकल्प। देखिए गलत से सही जवाब जरूर दिया करिए, परीक्षा हॉल में होते तो क्या करते, अगर ऑनलाइन परीक्षा होगी तो कैसे क्लिक करते, ऑफलाइन परीक्षा होगी तो कैसे क्लिक करेंगे। ठीक है हो गया आपका, आपने विकल्प ब्लॉक कर लिया, हटा दें। ठीक है यहां पर हमने देखा 2050, मतलब 53% लोगों को ही केवल ये सही उत्तर पता था। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी होगा, मैंने जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है उन सभी का उत्तर सही है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है, चार विकल्प हैं, विश्व में उन देशों को उनके जनसंख्या आकार के अवरोही, अवरोही जानते हैं ये होता है, ये अवरोही है घटते क्रम, नीचे देखिए सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए जल्दी, देखिए यहां पर अगर देखा जाए अवरोही क्रम में, अगर हम देखें अवरोही क्रम तो अवरोही क्रम में देखेंगे तो इंडोनेशिया को पहले पर रखते हैं, दूसरे पर ब्राजील आ जाएगा, और वही क्रम में रख रहे हैं, पहले पे इंडोनेशिया, फिर ब्राजील, फिर आपका पाकिस्तान, फिर आपका नाइजीरिया। अब आपको ये बताना है कि इसके आधार पर आपका कौन सा विकल्प सही होगा। बताइए, अच्छा एक विकल्प नहीं दिख रहा है क्या, कुछ हद तक दब गया है, तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए यहाँ पर शायद नहीं दिख रहा था पूरा, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर डी होगा ना। ठीक है डी इसका सही उत्तर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि सीरीज का समापन भी होने जा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आंसर देने का प्रयास करें, क्योंकि एक दिन में हम लोग 30 प्रश्न ही पढ़ते हैं, क्योंकि आज व्याख्या नहीं करना पड़ रहा क्योंकि ऑथेंटिक प्रश्न है यहाँ पे। अगला है, निम्न दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है, एकदम आसान से वन लाइनर प्रश्न है, यहाँ पे बस आपको इतना ही बताना है कि दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश क्या है, जनघनत्व वाला देश कौन सा है, सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ पर है। ठीक है सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा, कितने लोग हैं जो डेली क्लास में लाइव रहेंगे, 5 सेकंड आपके पास और है, जल्दी से विकल्प को ताला लगाइए। बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका।
चलिए कोई बात नहीं, दिखाई दिया, यहाँ पे गलती हो जाए परीक्षा हाल में गलती मत करिएगा, बस यही बात आपको याद रखना है, कुछ भी हो जाए अब सबके विकल्प लाख हो गए ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा बांग्लादेश। माने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बांग्लादेश बताया उनका जवाब सही है। अगर हम जनघनत्व के मामले में बात करें, ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर एक सही है, बस एक ही सही है, तीन गलत है, वही आपको बताना है। चार विकल्प आपके सामने हैं, चार में से किसी एक विकल्प पर सबसे पहले आपको ताला लगाना है। जहाँ भी वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग, एक तरफ ये जनजाति है, इधर क्या है, इधर जनजाति है, इधर की तरफ देश है, केवल एक जनजाति एक देश के साथ मैच कर रही है। तो यहां पर एक प्रश्न आपका है जिसका उत्तर आप लोगों ने लॉक कर भी दिया है, ज्यादातर लोगों ने लॉक कर दिया है, 3 सेकंड आपके पास और है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने जवाब दे दिया, जल्दी दे दिया करिए। देखिए यहां पर जो आप लोग गलत बता रहे उसको भी हम लोग बता दें, कौन एक सही सुने ली थी। तो जो बुशमैन है ये अमूम रूप से देखा जाए तो ये अफ्रीकी भाग में मिलता है, कहाँ पे, अफ्रीकी भूभाग में, जैसे बोत्सवाना हो गया, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, स्वाजीलैंड, लेशेयो, यहाँ पर बुशमैन जनजाति पाई जाती। माने ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये आपका सही है। अर्थात इस प्रश्न का जितने साथी मित्रों ने डी जवाब दिया था उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही था। ठीक है, क्लियर? अब कोई सवाल किसी के मन में, कोई डाउट नहीं है? चलते हैं, आज का ये आखिरी प्रश्न है। यहाँ पे जो जनजाति दिया गया उन्हें मिलान करना है, तो जल्दी जल्दी आप लोग जनजाति और देश से मिलाकर दिए गए प्रश्न का विकल्प बताइएगा। डेली क्लास की टाइमिंग आपको यही है, इसी टाइम पर डेली क्लास आपको चलेगी। ये विश्व भूगोल की एनसीईआरटी सीरीज महाभारत में चल रही है, जहाँ पर हम प्रयास करेंगे संपूर्ण विश्व भूगोल की सीरीज आपके साथ समाप्त करें। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजहन साहब सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रही है। तो जल्दी से दिए गए प्रश्न का विकल्प बताइए, इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा, फटाफट आइए हम यहाँ पे मिलान करते हैं। सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे, दुर्गेश सर सर्च करके एलानी भी दुर्गेश, जल्दी आपके सामने से हटने वाला है आपका विकल्प का ताला, जल्दी से लॉक कर दीजिए। देखिए एस्किमो जो जनजाति है ये कनाडा और ग्रीनलैंड क्षेत्र में मिलती है, मैंने उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में। मसाई जो है ये केन्या, केन्या के साथ साथ पूर्वी अफ्रीका में। बद्दू जनजाति जो है वो सऊदीया अरब में, कहाँ पे, सऊदीया अरब में। बुशमैन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, बोत्सवाना, कहाँ पे पढ़ा था, बोत्सवाना। मतलब यहाँ पर जितने लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दिया है उनके जवाब तो पूरी तरह सही थे। अब आपको ये बताना है यहाँ पे इसके आधार पर, आइए हम कुछ और देश लिखवा देते हैं, जैसे मध्य एशिया, लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, मध्य एशिया में जो जनजाति पाई जाती प्रमुख जो परीक्षा पूछा था खिरगिज है, लिख लीजिए जरा खिरगिज लिख लीजिएगा, बेहतर लगे तो शेयर करिएगा। एक आता है सीमांग, सीमांग बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है, सीमांग ये जनजाति है, कहाँ है ये मलेशिया में है, उल्टा लिख दिया काम ने, मलेशिया, मलेशिया कौन सी जनजाति है आपकी, सीमांग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा में पूछी जाती है। और बोरो, बोरो आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे बोको हराम, ऐसे बोरो एक जनजाति है, ये कहाँ है, ये ब्राज़ील में है। जूलू एक प्रश्न पूछा जाता है, जूलू भाषा भी है, ये एनसीईआरटी कक्षा 12 आपको मिल भी जाएगी, ये नेटाल प्रांत की है। ठीक है, उसके अलावा अगर देखें हैदा एक जनजाति है जो बहुत पूछा जाता है, ये अमेरिका में है, हैदा जनजाति कहाँ पे आपकी, अमेरिका में है।
एक तारतार है, जैसे एस्किमो है वैसे एक जनजाति और मिलती है, ये आपको मिलेगी साइबेरिया में। और ये एस्किमो ही जैसी जनजाति, कैसी जनजाति है, ये एस्किमो की तरह की एक जनजाति है। यहाँ से आइनू, आइनू ये जापान की है, आइनू जो है ये जापान की एक जनजाति है। बेद्दास, इससे बद्दू है वैसे बेद्दास भी है, लिखना चाहे सभी लोग लिख लीजिएगा वरना आप पछताएंगे। ये श्रीलंका की है, इसलिए मैंने लिखवा दिया कि बद्दू तो आप लोग जानते हैं सऊदी अरेबिया का है, लेकिन बेद्दास श्रीलंका का है। माओरी, जगह भर गया, अब अगले दिन लिख लेंगे। माओरी अगर बात करें तो ये न्यूजीलैंड की है, ये कहाँ की, ये न्यूजीलैंड की। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया। अगर पिगमीज की बात करें, कांगो बेसन की, अगर हम पिगमीज की बात करें, ये कांगो बेसिन की जनजाति है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट जो थे वो क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर, क्योंकि मेरा बोर्ड ही भर गया, नहीं तो हम और आपको लिखवा देते हैं। ठीक है, इंकांथा जो है दक्षिण अफ्रीका की है। तो यहाँ से आपकी परीक्षा में जो सवाल आते हैं वो मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया। डेली क्लास में आप कितने लोग लाइव रहेंगे, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहला काम, लोग टेलीग्राम जरूर जुड़ जाइएगा, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग पे दुर्गेश से। आपका कोई व्यक्तिगत सवाल हो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं हम। यह वीडियो फेसबुक पेज, यूट्यूब पर निःशुल्क लाइव चल रहा है। घर बैठे क्लास नोट्स के लिए यहाँ पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। एक छोटा सा मेरा प्रश्न है और आप उस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। इराक की राजधानी क्या है, ईरान और इराक की राजधानी क्या है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है, गलती हो जाता है, दोनों में कन्फ्यूज हो जाता है। इसलिए आप लोग से मेरा सवाल है, ईरान की राजधानी क्या है, दूसरी इराक की राजधानी क्या है। दोनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि लोग यहाँ पे गलती करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी क्लास पढ़ें और आप सिलेक्शन से दूर रहें, क्योंकि सिलेक्शन जो होता है पॉइंट में होता है, एकदम नज़दीक होता है। अच्छा, एक प्रश्न आया था कि जनसंख्या वृद्धि वाला, तो टीटू जी ने कहा 2050 जगह 2060 होगा, एक बार आप लोग देख लीजिएगा कहाँ पे 2050 होगा या 2060 होगा। तो देखिए, एक अनुमान के अनुसार विश्व की जो 70% आबादी है वो नगरों तक सिमट जाएगी। कहाँ तक, नगरों तक, मतलब वो नगर हो जाएंगे। तो 2050 तक माना जा रहा था कि वो नगरों तक सिमट जाएगी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेगा टीटू जी तो आपको सारा जवाब मिल जाएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने लोगों ने वीडियो को देखा है, अपने साथी मित्रों तक पहुँचाया है, वीडियो को लाइक किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ये सीरीज खत्म हो जाएगी विश्व भूगोल की, हम एक और अगली सीरीज लेकर आएंगे, लेकिन ये महाभारत सीरीज अभी आपकी और लंबा चलेगी। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। ठीक है, बाय बाय। अच्छा, पोल में 2060 दिख रहा, कोई बात नहीं, पोल से मतलब नहीं है, पोल में तो आप लोग उत्तर देते हैं ना, पोल में आप लोग उत्तर देते हैं ना टीटू जी, और पोल में जवाब आप लोग देते हैं ना, आप लोग गलत जवाब दें या सही जवाब दें वो तो आप लोग के जवाब होते हैं। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाकी सभी क्लास हमारी आपको टेलीग्राम पर मिलती है, जुड़े रहिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि इरेज करने जा रहे हैं हम।